अगली बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक पहुंच गए भोपाल के हमीदिया अस्पताल। भोपाल में अलग अलग जगहों का ताबड़तोड़ दौरा किया, सबसे पहले भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम ने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर पर जाकर कई वार्ड में निरीक्षण किया, मरीजों के साथ ही उनके परिवार वालों से बातचीत की, मरीजों का हालचाल जाना। इसके बाद सीएम केरवा के पास स्थित मदर बुल फार्म का निरीक्षण करने पहुंचे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। फार्म के निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां पर पशुओं को, गायों को चारा भी खिलाया। ये तस्वीरें, दो तस्वीरें भोपाल के हमीदिया अस्पताल की और फिर मदर बुल फार्म की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मदर बुल फार्म में जहां पहुंच गए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे, वहां पर हर फ्लोर के वार्ड में जाकर निरीक्षण लिया, मरीजों से बात की, उनके तीमारदारों से बातचीत की, उसके बाद पहुंच गए मदर बुल फार्म, जहां पर देखिए वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी लिया और फिर पशुओं को चारा भी खिलाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त हमारे साथ है और आज उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। पहले हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचे और अब पशुओं की चिंता करते हुए मदर फार्म पहुंचे हैं। सर, दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज आपके। मुझे संतोष है इस बात का कि हमारा जो अलग अलग विभाग है, सरकारी विभागों की अपनी गति है और इस कारण से हॉस्पिटल भी अच्छा होना चाहिए, गोवंश सुधार के कार्यक्रम भी चलना चाहिए, सड़क पर गोवंश इधर उधर न घूमे, गौशाला अच्छी हो जाए, किसानों की आय बढ़े, इस प्रकार से बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसका भी रिजल्ट आ रहा है जी। सर, हमीदिया हॉस्पिटल में कुछ प्रस्ताव भी आपके सामने रखे गए थे कि और बेहतरी हो और अच्छा इलाज मिले, सारी चीजों की मंजूरी दे रहे हैं और प्राइवेट रूप से मेडिकल कॉलेज को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हर हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधा हो, इस पर हम काम कर रहे हैं जी। सर, आधुनिकता की ओर प्रदेश के लगातार कदम बढ़ रहे हैं, कॉन्क्लेव में भी हमने देखा आपने तमाम उद्योगपतियों से काफी चर्चा की। ये स्वाभाविक रूप से प्रदेश को आगे बढ़ाना तो हमको सभी विभागों की दक्षता से काम कराना पड़ेगा, विकास के आयाम के नए रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे और मुझे संतोष है कि इस पर सब में सफलता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। गौ सेवा के क्षेत्र में सर आपकी हमेशा से विशेष रुचि हुई और गौ माता के बीच आप हैं तो काफी अच्छा आप भी महसूस कर रहे होंगे और आने वाले समय में गौ संरक्षण के लिए कुछ विशेष प्लानिंग सर? नहीं, हमारे यहाँ स्वाभाविक रूप से भारत का 12% सदा वन क्षेत्र है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 25% से ज्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से इन सारी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है कि जिससे आम जनता जुड़ी हुई है, बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है वो डबल हो जाए, ऐसे कई सारे कारणों से इसको और बढ़ावा देने की जरूरत है जिसमें किसानों की आय बढ़े। वही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अपील का असर हुआ है और बागेश्वर धाम में तमाम दुकानदारों और संस्थानों में के बाहर नेम प्लेट लगा दी गई है, दुकान के बाहर संस्था का नाम और संचालक के नाम के पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि नाम को बताने में या पहचान बताने में कैसी शर्म, और ऐसे में यहाँ पर सभी ने नाम लगा दिए हैं। हम लोग उनके आदेशानुसार छतरपुर जाके वहाँ पे नेम प्लेट बनवा के आज दुकान पे लग गई है और पूरे मेले में नेम प्लेट दुकान पे लग रही है, 2-3 दिन में लग जाएगी। अच्छा, जहाँ जहाँ बची है 2-3 दिन में लग जाएगी? हाँ, लग जाएगी। तो मतलब उनके आदेश का आप लोगों ने तत्काल पालन करना? हाँ सर, हाँ, उनके आदेश का पालन हम लोग। क्या क्या लिखवाया इसमें आपने? इसमें सर हमारा नाम है, होटल का नाम है, पता है, पूरी जानकारी है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि बागेश्वर बाबा ने दुकानदारों से क्या अपील की थी। धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल नेमियों से दिक्कत है, इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। तो आपने अपील भी सुन ली पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। छतरपुर से हमारे सहयोगी नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, बाबा ने अपील की यहां पर तमाम लोगों से, अपील का कितना असर नजर आ रहा है वहां?
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से बाबा बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश का समर्थन किया था जो नेम दुकानों संस्थानों पर नेम प्लेट लगाए जाने का आदेश जारी किया था, और उसके बाद कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा महोत्सव को संबोधन कर रहे थे। उस संबोधन के दौरान ही उन्होंने बागेश्वर धाम में जितनी भी दुकानें संचालित हैं, होटल संचालित हैं और तमाम तरह के जो भी दुकान संचालित हैं, उन सभी दुकानदारों से अपील की थी, खुलेआम मंच पर अपील की थी, और उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति बागेश्वर धाम में दुकान संचालित कर रहे हैं और अपनी अपनी दुकान के सामने यानी संस्थान के सामने संस्थान का नाम यानी होटल का नाम या किराना की दुकान का नाम और प्रोपराइटर का नाम यानी संचालक कौन है उसका नाम, तो इसका असर बिल्कुल बागेश्वर धाम में देखने को मिला है। आज सुबह से ही बागेश्वर धाम से लोग निकलकर, दुकानदार निकलकर छतरपुर आए हुए थे, यहां पर फ्लेक्स बैनर और नेम प्लेट बनाकर अपने दुकानों में अपने संस्थानों में, जैसे कि टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे होंगे कि अब वहां पर बिल्कुल होटल के ऊपर, होटल के बाहर और दुकान के बाहर बैनर लगा हुआ है, फ्लेक्स लगी हुई है जिसमें होटल का नाम लिखा है और साथ में प्रोपराइटर का नाम यानी संचालक का नाम लिखा है। तो कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर धाम की जो अपील है उसका असर देखने को मिला है बागेश्वर धाम में, और लगातार मुश्किल से ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन के अंदर जितने भी संस्थान है, जितनी भी दुकानें संचालित है यहां पर, सभी पर उनका जो संस्थान का नाम है और नेम प्लेट की जो पटका है वो यहां पर लग जाएगी। अपील का असर हुआ है, बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। वही रीवा की बात करते हैं जहां युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और 80 से ज्यादा राउंड टीयर गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच काफी झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने इस दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, प्रदेश अध्यक्ष नितेंद्र सिंह और अजय सिंह राहुल समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। रीवा में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे। हमारे साथ हैं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी। क्या मुद्दे लेकर आज रीवा में आए हुए थे, किस तरह का प्रदर्शन रहा, कितना सफल रहा? देखिए, किस तरीके से सरकार ने बार बार जो करप्शन को रोज बढ़ाने का काम पूरा प्रदेश में कर रहा है, जो नर्सिंग घोटाले में आपको साफ साफ दिख रहा है, सीबीआई में सीबीआई पकड़ना पड़ा है इनको, पहले सीबीआई को दिया था उसमें साफ साफ दिख रहा है, 256 कॉलेज आइडेंटिफाई किया उसमें मात्र 66 को रद्द किया है, जो बैलेंस उनसे करप्शन कर लिया वापस उनको देने का काम किया, और नीट को लेके जो यही से जो स्टार्ट हुआ, आदमी व्यापम का जो प्रमुख था, जो एनटीए का चेयरमैन प्रदीप जोशी, उसको प्रमोशन देके दिल्ली भेज दिया, वहाँ उसके जाने के बाद 7 साल में 70 पेपर लीक करने का काम वो किया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, एनटीए का डीजी को हटा दिया पर चेयरमैन को नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो ये घोटाला का नर्सरी है मध्य प्रदेश, व्यापम का वो, पटवारी का वो, नर्सिंग का वो, शिक्षक का वो, अब जो भी निकाल सकते हैं सारे आप निकाल के देखेगा आपको पता चलता है। मोहन यादव जी रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, ये बंद करना चाहिए, वो दिल्ली से चल रहा है या मध्य प्रदेश से चलना चाहिए, कोई ऐसे इनका विजन नहीं है। 4-4 साल यहाँ क्लासेस हो रहा है, उनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कितने साल चाहिए, 4 साल में डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, फिर भी ये लोग एग्जाम नहीं दे रहे, तो इसमें साफ दिख रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मशहूर गायक राहत फतेह अली खान को गिरफ्तार किया गया है। दुबई एयरपोर्ट पर राहत फतेह अली खान की गिरफ्तारी हुई है। राहत के एक्स मैनेजर सलमान अहमद ने राहत के खिलाफ शिकायत की थी, दुबई और दूसरे शहरों में मामले दर्ज कराए थे। पाकिस्तानी सिंगर हैं राहत फतेह अली खान और जिनकी दुबई में गिरफ्तारी हुई है। राहत के पूर्व मैनेजर सलमान अहमद ने राहत के खिलाफ शिकायत की थी। अगली खबर देवास से है जहां ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर्स पर एक्शन लिया गया है। अस्पताल से गायब रहने वाले इन डॉक्टर्स पर सीएमएचओ ने सेक्टर की बैठक में निर्देश दिया। 5 डॉक्टरों के वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमएचओ ने अस्पताल का निरीक्षण किया था। सिविल अस्पताल कन्नौत के पीएचसी काटाफोल में निरीक्षण के दौरान डॉक्टर गायब मिले थे।
अगली खबर श्योपुर से है, जहां बिजली संकट के बाद गांव वालों ने प्रोटेस्ट किया है। 15 गांव के निवासियों ने चक्का जाम किया। मुरैना श्योपुर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। पिछले कई घंटों से आवाजाही पूरी तरह बंद है। मौके पर पहुंचे मंत्री रामनिवास रावत और जल्द ही समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया है। तो पावर कट के बाद यहां पर गांव वाले प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे। 15 गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर मंत्री रामनिवास रावत पहुंचे और जल्द ही ग्रामीणों की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। शाजापुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सड़क के दोनों ही किनारों से अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान यहां पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। राजस्व और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। तो सड़क के दोनों ही किनारों से यहां पर अतिक्रमण हटाया गया और इस कार्रवाई के दौरान कोई अप्रिय स्थिति ना बने, इसको देखते हुए भारी पुलिस बल मौजूद रहा। धार की भोशाला को लेकर आज इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश प्राप्त होने की बात कहकर आगामी सुनवाई तक इसे टाल दिया। न्यायालय ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश नहीं आते तब तक के लिए सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मामले की 30 जुलाई को सुनवाई होनी है। एक अप्रैल 2024 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था बनाई थी कि एएसआई द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसका क्रियान्वयन बिना सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के नहीं होगा। तो हमने हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जी जैन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में एक आवेदन लगा रखा है, जिसकी आगामी सुनवाई की तिथि 30 जुलाई संभावित है कि इस अंतरिम रोक को, ये जो पार्शल स्टे है, इसे हटाया जाए। मंदसौर में बीजेपी के पूर्व विधायक और बीजेपी प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया के एक्स पर पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित मूर्ति में दरार को लेकर किए गए ट्वीट का मंदिर प्रबंध समिति ने खंडन किया है। मंदिर के पुजारी और प्रबंध समिति ने बताया कि पशुपतिनाथ जी की मूर्ति में नई दरार कोई नहीं है, ना ही कोई दरार बढ़ी है ना ही घटी है। मूर्ति जैसी पहले थी वैसी ही है। मंदिर के पुजारी पंडित कैलाश भट्ट और पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति के प्रबंधक राहुल रुनवाल ने बताया कि जैसी खबरें आ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रतिमा पहले जैसी ही है। समय समय पर एक्सपर्ट से सलाह मशविरा और मूर्ति के क्षरण को रोकने के लिए प्रबंध समिति काम करती रहती है। वर्षों से वो लकीर देखने में आ रही है और वो यथावत है। अभी वर्तमान में आज जो है देखने में आ रहा है कि वो आज अगर ऐसी चोरी हुई है तो आज नहीं हुई है, वो विगत कई वर्षों से यथावत है। मैं प्रारंभ से ही जो ऊपर के मुख में जो दरार है प्रारंभ से दिखने में आ रही है, जिसी प्रकार की बनी हुई है, न तो इसमें घटी न बढ़ी, इसी प्रकार की दरार, क्योंकि प्राचीन मूर्ति है। प्राचीन मूर्ति होने के कारण से कई वर्षों तक जब शिवना की नदी की गोद में रही उसके कारण से ये जो दरार है ये प्रारंभ से ऐसी कैसी है, न तो ये घटी है न बड़ी है। तब जब मुझे सुबह 7:30 और 8 के बीच में जब सोशल मीडिया पर मुझे दरारें दिखती हुई फोटो प्राप्त होता है या दरारों से पशुपतिनाथ मंदिर के प्रतिमा को बताया जाता है वीडियो के माध्यम से, तो स्वाभाविक रूप से मेरी चिंता इस बात को लेकर हो रही थी कि ये दरारें बड़ा स्वरूप न ले ले। और इसीलिए मैंने उठते ही सबसे पहले आज सारा परिदृश्य देख करके माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, और चूंकि कलेक्टर मंदसौर इस पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, उनको टेक करते हुए मैंने एक्स पर इस बात की सूचना दी है कि ये भव्य और दिव्य प्रतिमा है। अब बात इंदौर की। पंचकुया स्थित युगपुरुष धाम बौद्धिक विकास केंद्र में बच्चों की मौत पर हैरान कर देने वाली जांच रिपोर्ट सामने आई है। आश्रम में बच्चों की मौत में बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट में सामने आया कि आश्रम के 6 नहीं बल्कि 10 बच्चों की मौत हुई।
चार बच्चों के शव तो बिना पोस्टमार्टम के ही उनके परिवारों को सौंप दिए गए थे। रिपोर्ट सामने आने के बाद कार्रवाई करते जिला कलेक्टर ने आश्रम संचालिका अनीता शर्मा को हटा दिया है। जांच के दौरान ये जानकारी मिली कि कुल 10 बच्चों की मौत हुई थी, जिनमें से चार का तो पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। ये भी पता चला कि खराब पानी पीने के कारण कुल 89 बच्चे बीमार पड़े थे। देखिए, युवपुरुष धाम में जो हम लोगों ने सुकाउ नोटिस जारी किया है, उसमें संस्था का जवाब आया है और इसके अलावा एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी जो हम लोगों ने गठित करी थी, उस जांच कमेटी की अंतिम जो रिपोर्ट है वो भी प्राप्त हुई है। उस रिपोर्ट में निश्चित रूप से ये बिंदु आए हैं कि कहीं कहीं संस्था के द्वारा लापरवाही करी गई है और रखरखाव से संबंधित कुछ बिंदु भी उठाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो डेथ्स हैं, टोटल डेथ्स जो है वो 10 हुई हैं, जो घटना जिस समय हुई है अगर उसके पिछले 4-5 दिनों की बात करें, कुछ जो डेड बॉडीज थी उनको बिना पीएम के ही परिजनों को सौंपने की बात भी रिपोर्ट में आई है, तो निश्चित रूप से ये काफी। छतरपुर में बदमाश बेखौफ हैं, हथियार के साथ घर में घुसकर महिलाओं को धमकी दी। बदमाशों का धमकी देते हुए वीडियो सामने आया है। धमकी देकर कट्टा लहराते हुए फरार हुए हैं बदमाश। नौगांव थाना के मऊ थाने की घटना है। पुलिस में शिकायत के बाद 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वीडियो बना लेंगी कहां के यहां? सुनो, हाथ नहीं चलाने, पुलिस को फोन लगाओ ना, हाथ में पुलिस को फोन लगाओ। कहां के यहां? वीडियो बना लेंगी कहां के यहां? सुनो, ठीक है, जहां इन मौसम है हाथ नहीं चलाने, मऊ सानिया में इस प्रकार की घटना है जिसमें कि पूर्व में परेशान करने को लेकर के FIR की गई थी और उसके बाद में पुनः ये 2-3 लोग गए और उन्होंने वहाँ पे जाकर के इस प्रकार से धमकाया, तो जिसको संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी ने तुरंत आवेदकों को बुलाया और FIR की जा रही है। एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और अन्य की भी तलाश की जा रही है, जल्दी सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। खरगोन के रेणुका माता मंदिर में हुए चोरी के मामले में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों रेणुका माता मंदिर में 2 चोरों ने माता का मुकुट और दान पेटी से कैश चुरा लिया था। चोर चोरी से पहले माता को प्रणाम करते हैं और फिर चोरी करते हैं। तस्वीरें वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर चोरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरी का सामान भी बरामद किया। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में बाबा महाकाल की पहली शाही सवारी निकली। महाकाल ने श्रद्धालुओं को मन महेश स्वरूप में बाबा महाकाल ने दर्शन दिए। मान्यता है कि वर्षा काल में सृष्टि का संचालन करने वाले सभी देवता शयन काल में चले जाते हैं, जबकि बाबा महाकाल सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसे में सावन मास में महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। इस मौके पर CM ने लोगों को बधाई भी दी। और आइए अब देख लेते हैं टॉप 20।